वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज, खुशखबरी है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई है 11th JPSC को लेकर। 11th JPSC PT के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए प्रक्रिया बहुत ही स्पीड से चलने लगी है और ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है साथियों। और जिस प्रकार के सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, एग्जाम आपका अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है और यही JPSC का प्रयास है। इसके लिए अभी परीक्षा केंद्रों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए JPSC के विभागीय लेटर को देखते हैं और ये है JPSC का लेटर। JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग का अपना ये लेटर है। आप देखिए, JPSC 14/2023 सर्कुलर रोड रांची। प्रेषक कौन है? सचिव JPSC के जो सेक्रेटरी हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के, उन्होंने लेटर लिखा है। किनको? झारखंड के सभी उपायुक्त को लिखा है, जिसमें रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, पलामू, चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, खूंटी, लातेहार, पाकुड़, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा, दुमका, बोकारो, कोडरमा, देवगढ़, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, मतलब सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है। और विषय क्या है? आगामी झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में। 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके आयोजन के संबंध में परीक्षा केंद्र को लेकर यह लेटर लिखा गया है। किनके द्वारा? JPSC के सचिव के द्वारा। विभागीय लेटर है। निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन प्रक्रियाधीन है। परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बाद में संसूचित की जाएगी। उक्त परीक्षा के सफल संचालन एवं संपादन हेतु निर्देशानुसार आपको समन्वयक नियुक्त किया जाता है, यानी सभी उपायुक्त समन्वयक होंगे। परीक्षा के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन तथा समन्वय हेतु आपके अधीनस्थ किसी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित कर दिया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार परीक्षा आयोजन निमित्त संपर्क स्थापित किया जा सके। यानी सभी DM को, DC को अपने यहाँ एक नोडल पदाधिकारी को नियुक्त कर देना है JPSC एग्जाम से के सिलसिले के लिए, ताकि उसी से जब भी कोई काम लगे उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आपके जिला मुख्यालय में अधिकतम अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए व्यवस्था की दृष्टि से प्राथमिकता क्रम में ऐसे विद्यालयों, महाविद्यालयों को केंद्रवार व कक्षावार बैठक की स्थिति यथा 24, 36, 12 के गुणक के क्षमता सहित संपुष्ट सूची की आवश्यकता है। जहां सुरक्षा की दृष्टि से 4 दीवारी होना चाहिए, आवागमन की समुचित सुविधा हो, पेयजल हो, बिजली हो, शौचालय हो, CCTV कैमरे की भी सुविधा हो, ये सभी उस परीक्षा केंद्र में होना चाहिए। ये भी कहा गया, पिछला जो परीक्षा केंद्र था उसकी सूची दी गई है, हालांकि उसकी क्षमता में 10% वृद्धि भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। तो साथियों, ये कह सकते हैं एक प्रकार के बिग अपडेट्स हैं और परीक्षा आपका होने की पूरी संभावना बन गई है। आप देखिए, ये जो बताया गया, ये जो डाटा मांगा गया है कि नोडल पदाधिकारी के माध्यम से आयोग का जो ये ईमेल है, इस ईमेल पे देना है। दिनांक कब तक? 20 मई तक। तो 20 मई तक निश्चित रूपेण उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो यानी 20 मई तक ये अब निश्चित रूप से मांगा गया है। तो इसके बाद समझिए मई में एग्जाम सेंटर को डिसाइड कर लिया जाएगा फुल एंड फाइनल मई के अंत तक। विज्ञापन जून में भी आता है तो आपको 1 महीना फॉर्म फिलअप के लिए देगा, इसलिए जुलाई में संभावना बिल्कुल नहीं है। आपका अगस्त लास्ट वीक में एग्जाम होने का संभावना है। इसी को टारगेट में रख के आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अभी तैयारी अगर आप शुरू कर देते हैं तो, और आपने पहले तो किया ही होगा, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है PT का। तो ये था बिग अपडेट साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज JPSC एस्पायरेंट्स के लिए, JPSC के अभ्यर्थियों के लिए। आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आती है आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होकर उस सूचना को आप सभी के बीच जरूर शेयर करूंगा। साथ ही साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले हर एक सूचना का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ सूचना ही नहीं दी जाएगी, बल्कि PT का एग्जाम डेट आते ही प्रैक्टिस सेट
यहाँ पर टेस्ट भी आप ले टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री बिना किसी कॉस्ट के आप पीटी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आवश्यकता अनुसार क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी और सारी सुविधाएं आपके लिए हैं, बिल्कुल निःशुल्क हैं। बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़ने के लिए करना है साथियों सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।